तो गाइस एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर कितना है 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर एंड सॉरी इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। कह रहा है उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है उसके ब्रेथ के 2 टाइम्स से। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हिंदी में समझाऊं तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया हुआ है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो हमें 154 मीटर दिया हुआ है, यानी 154 मीटर दिया हुआ है, और उसकी जो लंबाई है वो उसके ब्रेथ के दोगुने से दो ज्यादा है। क्या उसकी जो लंबाई है उसके ब्रेथ के दोगुने से दो ज्यादा है, तो बताइए कि उस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। लेकिन एक चीज उसने बोला कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुने टू टाइम्स, ब्रेथ के दोगुने यानी टू टाइम्स, तो ब्रेथ का टू टाइम्स करेंगे तो टू इंटू बी। उसने लेंथ क्या है, ब्रेथ के टू टाइम्स से कितना ज्यादा है, टू ज्यादा है तो टू प्लस कर दिया, तो लेंथ कितना निकल के आ गया, टू बी प्लस टू, कितना निकल के आ गया, टू बी प्लस टू। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, पहले आपको सॉल्यूशन में बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाना है, लिखना है b बाय टू बी प्लस टू, क्योंकि लेंथ किसके बराबर है, टू बी प्लस टू के, ठीक है। और शुरू में आप क्या लिखोगे, तो वो तो लाइन आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेट l बी द लेंथ एंड b बी द या b हाँ b बी द वेलोसिटी, b बी द ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ओके गाइस, ये आपको मेंशन करना है, स्टार्टिंग में आप ये मेंशन करोगे, देन उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद आप लिखोगे लेंथ इज इक्वल्स टू टू बी प्लस टू, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं, अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। रेक्टेंगुलर का मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा एक और बात, ये जो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ये तो गिवन है ही, इसके अलावा हमें उसका पेरीमीटर गिवन था, तो पेरीमीटर जो गिवन होता है उसे हम इक्वल के राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, यानी 154 यही गिवन था हमें। अच्छा अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 यहां पे पूरे के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू, आप 2 इधर जाके डिवाइड करोगे 154 बाय 2, तो आपको कट के कितना बचेगा 77। तो इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया 77। लेंथ की क्या वैल्यू है, 2b प्लस 2, तो लेंथ की जगह लिख देंगे 2b प्लस 2 और प्लस में b इज इक्वल्स टू 77, ठीक है गाइस। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, तो अब आगे आप देखो 2b और b, 3b, 2b और b, कितना 3b, क्योंकि हम सेम वेरिएबल वाले नंबर को जोड़ सकते हैं, प्लस में 2, ये तो आप 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, कि हम सेम वेरिएबल वाले नंबर को जोड़ सकते हैं, तो 2b में b जोड़ा, 3b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 77। अब 77 में से 2 इधर जाके माइनस हो गया, तो 3b आ गया 75 के, तो b आ गया आपके पास 3 1 जा 3, ये 3 अब इसके साथ डिवाइड होगा, सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो b की वैल्यू आ गई 25 मीटर। तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी, लेंथ होगा 2b प्लस 2 के बराबर था, यानी 2 टाइम्स ऑफ 25 प्लस में 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 25 इज व्हाट, अब 25 में 2 मत जोड़ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है, तो 25 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50
यानी 50 प्लस 2 यानी 52 मीटर आपकी क्या निकल के आ जाएगी, लेंथ निकल करके आ जाएगी। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।